सब ऐमान लव आपकी मूवी आ रही, तो आपका मूवी और आपके रोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार बेईमान लव एक डार्क लव स्टोरी है, एक जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्टली इम्परफेक्ट लव स्टोरी है, और इसमें मैं एक किरदार प्ले कर रहा हूँ राज का। राज इज़ अ वेरी रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, और ये बेसिकली स्टार्ट ऐसे होती है कि एक लड़की इसके ईगो को हर्ट कर देती है, एंड सो बेसिकली वहाँ से कैसे अपनी ईगो को बचाने के लिए ही लेज अ बेट विद हिज ब्रदर इन लॉ, एंड सारा चीज़ वहाँ है कि वो 10 दिन के अंदर ही वॉन्ट्स टू गेट दैट वुमन दैट गर्ल इन हिज बेड, मतलब कि वो 10 दिन वो बोलता है कि मैं अब 10 दिन के अंदर तुम देखना मैं इस लड़की को अपने बिस्तर के अंदर करूँगा, एंड वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। एंड ही मैनेजेस टू, वो दिखाता है कि मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं काम करता हूँ और मैं यू नो ऑफिस जाता हूँ रेगुलरली, वो उसको प्यार में फंसाता है और उसके बाद कैसे वो आगे जाके उसे छोड़ देता है, जैसे उसका मतलब पूरा होता है, जैसे उसकी शर्त पूरी होती है वो उसे छोड़ देता है, तो वहाँ से इज वेन अ वुमन्स रिवेंज स्टार्ट्स, यू नो सनी हु ऑलरेडी इज इन लव विद मी दैट टाइम, एंड बट बाय दैट टाइम यू नो देर इज अ लॉट ऑफ ट्विस्ट इन द फिल्म, बाय दैट टाइम ये भी कहीं पे बाद में रियलाइज करता है कि ये भी उससे प्यार में, तो उसके यू नो वो इससे प्यार में होती है, लेकिन वो उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्विस्ट हैं बीच में कि वो नेगेटिव बन जाती है, ये पॉजिटिव हो जाता है, पहले ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है और वो पॉजिटिव होती है, तो मतलब देर इज अ लॉट ऑफ कैरेक्टर ग्राफ दैट हैज गॉन इन, and but eventually the climax also is such pre-climax is such where it's left at a very different point where both of them go to on their different paths, so with jo aapko probably film dekhne ke baad hi pata chalega. Sir, ye aapki second movie hai Sunny Leone ke sath, to how was your working experience? Working with her is very good, I think she is very professional, so acha hi tha. Obviously pichli baar hum log 300 saal pehle ke Registan mein the, 50 degrees mein kaam kar rahe the, और इस बार हमने एसी स्टूडियोज में काम किया है। अब तो ट्रेनिंग हो गई, सो हाउ प्रोफेशनल यू आर विद हर? नो आई थिंक वी आर वेरी प्रोफेशनल बिकॉज़ बोथ ऑफ अस हैव आई थिंक बोथ ऑफ अस ऑन दैट फ्रंट वी डू आ बिट प्रॉपरली एज पर डायरेक्टेड एज डायरेक्टेड बाय द डायरेक्टर, एंड यू नो इन फैक्ट इनिशियली वी ऑल्सो डिस्कस दैट ओके वी विल नॉट डू एनी वी विल नॉट डू अ लिप लॉक ऑन स्क्रीन, सो देन वी डिसाइडेड अगेंस्ट इट। सर आपने इसके पहले रोमांटिक मूवी किए, एक्शंस किए जी, और भी बहुत सारे जॉनर के मूवी किए, तो आप सबसे अच्छा मतलब कंफर्टेबल और एंजॉय किस टाइप में करते हो? जी मैं सारे जॉनर्स को एंजॉय करता हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब इनफैक्ट मिलते भी थ्रिलर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो वो आई थिंक प्रॉब्ली मेरी मार्केट भी वैसी बन गई है थ्रिलर और हॉरर वाली जॉनर की, और कर्मा की और प्रीवियस लाइफ की पास्ट लाइफ की, बट उसके साथ में लव स्टोरीज भी जो बीच में आती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग आती हैं, तो आई वुड से जो भी चीज़ मुझे मेरे कंफर्ट जोन के बाहर लेके जाती है कैरेक्टर वाइज, और यू नो वो मुझे करना पसंद है, जो मुझे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने पे मजबूर करती है और एक्ट करने पे मजबूर करती है, वैसी चीज़ मैं ज़्यादा लेना चाहता हूँ, वैसी ही चीज़ें मैं ज़्यादा लेता हूँ। सर मूवी में क्या यूनिकनेस है जो ऑडियंस को देखने मिलेगी, क्या कुछ नया फ्रेशनेस ऐसा कुछ? जी हाँ मतलब इसमें ऑब्वियसली पेयरिंग आपको जो देखने को मिल रही है वो तो इतनी फ्रेश कैसे कह सकते हैं, आपने अभी खुद ही बोला कि सेकंड फिल्म है सर, तो वो सेकंड फिल्म वाली फ्रेशनेस है, एंड उसके अलावा द जो कहानी है वो अपने आप में एक फ्रेश कहानी है, क्योंकि उसमें मतलब एक हल्का सा राजश्री का टच भी है, क्योंकि उसमें वो एक फैमिली ऑडियंस मतलब फैमिली उसमें एक फैमिली भी दिखाई है जहाँ पे मेरे फादर हैं, दादी हैं, बहन है, माँ है, यू नो जीजा है जो युवराज प्ले कर रहे हैं जीजा, एंड उसके अलावा नाउ द अदर साइड देव शोन सनी एंड हर मॉम, एंड देन इनकी जो पूरी झड़प है, इनकी जो पूरी लड़ाई है, उस पूरे के बीच में आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंटली शोन लव स्टोरी विद लस्ट लव ग्रीड ईगो एंड रिवेंज, ये जो चार पांच जोन हैं पॉइंट्स हैं इनके आसपास ये पूरी कहानी घूम रही है। सर ट्रेलर में हमने देखा क्या एक डायलॉग फेमस है, हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है कामयाबी जी, तो आप कितना मानते हैं? जी मैं मानता हूँ कि हर औरत के साथ में एक आदमी का हाथ होता है, या हर आदमी के साथ में एक औरत का हाथ होता है, बिकॉज आई थिंक इट्स प्योरली इट्स सपोर्ट, सो सपोर्ट कैन ओनली कम फ्रॉम द साइड, मतलब कि जब साथ साथ में आप चलते हैं तभी एक सपोर्ट बनता है, तो कोई भी किसी के पीछे नहीं होता है, या तो साथ में ही होते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। सर बिग बॉस आप तो सुने ही होगी जी, तो आप उसमें थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिग बॉस में नहीं
उसके आ रहे उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिग बॉस के नहीं यार, मैं बिग बॉस देखता नहीं. ओके सर, योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? माय अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, वन इज बेईमान लव, देन देयर इज सांसे व्हिच इज रिलीजिंग ऑन 11th नवंबर व्हिच इज अ रोमांटिक हॉरर फिल्म, एंड देन देयर इज वजह तुम हो व्हिच इज अ टी सीरीज फिल्म बाय विशाल पांड्या, सो दैट इज रिलीजिंग ऑन 2nd डिसंबर. And then I'm working on a TV mega series, which is a finite series for a big GC channel. मैं उससे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन ये सब चल रहा है, तो ये सब अभी इसके बीच में होंगे. सर दिवाली आ रहा है तो कुछ व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज या कोई? हाँ ऑब्वियसली, सी आई वुड लव टू विश ऑल माई व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. प्लीज़ प्ले सेफ, एन्जॉय एवरी मोमेंट, एंड एक्चुअली स्पीकिंग प्लीज़ एन्जॉय एवरी डे ऑफ योर लाइफ एंड लिव इट एज इफ यू नो दिस इज इट, एंड make the most of it. Please. Thank you. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.